अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं लाया हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार दोस्तों ढाबा स्टाइल की न्यू भिंडी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान कर दूंगा ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों के लिए। तो दोस्तों आज बनाएंगे हम ढाबा स्टाइल की दही वाली भिंडी, और अल्हम्दुलिल्लाह फुल मसाले वाली, फुल टेस्टी। मैं कहता हूँ इतनी मज़ेदार होगी कि आप इसको बार बार बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिले। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दोस्तों आज की रेसिपी मैं स्पेशली अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जो मुझे दोस्त वॉच करते हैं, ये उन दोस्तों के लिए VIP गिफ्ट है, ठीक है? तो आपने जुड़े रहना मेरी रेसिपी के साथ, शुरू से अंत तक मेरी रेसिपी को देखना है, इसको स्किप नहीं करना। तो आज की आपके लिए VIP गिफ्ट रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको बनाना है मेरे तरीके से। दोस्तों आज मैंने 1/2 kg भिंडी ली थी, बहुत ही कुरकुरी, बहुत ही कमाल की ओकरा भिंडी ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर वॉश करके अच्छे तरीके से इस तरीके से काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। आप भी इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लें, ठीक है? पीसों में काट कर फिर हम क्या करेंगे, 1/2 kg मैंने भिंडी लिया है और 1/2 kg मैंने ओनियन लिया है। अगर आप ओनियन कम करना चाहते हैं तो कम कर लें, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगा मसाले के लिए, ठीक है? और बहुत ही टेस्टी बनेगी ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ दोस्तों ये देखें, मैंने 2 से 3 अदद बड़े वाले टमाटो लिए थे, इसकी पेस्ट बना ली है, पेस्ट बना लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पेस्ट आपने लाजमी बनानी है टमाटो की। और ये दोस्तों 1 पाव मैंने दही ली है, ठीक है? ये डालेंगे पूरी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की ग्रेवी और फुल मसाला बनेगी, ठीक है दोस्तों? इसके साथ साथ दोस्तों ये देखें, मैं आपको मसाले भी बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मैंने हरी मिर्च ली थी 3 से 4 अदद, इस तरीके से सिलाई वाली काट लेंगे। और लेमन लिए हैं, लेमन मैंने 2 छोटे वाले लिए हैं छोटे पीसेस, इसको हम जो है ना अच्छे तरीके से काट लेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मसाले हैं घर के, ये मैं आपको बताता हूँ। 1/2 teaspoon जाएगा ये देखें चाट मसाला, 1/2 teaspoon जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 teaspoon जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 teaspoon जाएगा गरम मसाला, और 1 teaspoon जाएगा नमक। नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? ये सारे मसाले आ गए, इनको एक साइड पे करेंगे तो रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, अब तकरीबन हम 4 teaspoon या 5 teaspoon घी को डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? घी को डालकर फैला लेंगे ज़रा अच्छे तरीके से। सबसे पहले हमने प्याज और भिंडी को फ्राई करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर आप देख रहे हैं प्याज ओनियन को हम बीच में डाल देंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा लाइटली हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों प्याज की बनाई अच्छे तरीके से करेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर प्याज हमारा ओनियन काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, ठीक है? तो इसके साथ ही हम भिंडी को बीच में डाल देंगे और इसी के साथ इसको फ्राई करेंगे। इसको इसी के साथ दोस्तों फ्राई कर लेंगे, अच्छे तरह हम मिक्स कर लेंगे। इस दौरान दोस्तों घी को और डालेंगे हम, घी तकरीबन 2 या 3 teaspoon और डाल देंगे और अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे। और इसकी बनाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारी भिंडी और प्याज अच्छे तरीके से बनाई हो गई है, ये आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तो अब हम इसको किसी बाउल में, किसी बर्तन में हम इसको निकाल देंगे।
जी दोस्तों, यहाँ पर ये देखें भिंडी और प्याज बहुत ही कमाल की बनाई होगी है, ब्राउन ब्राउन, बस हमें इतनी सी लाइटली ब्राउन चाहिए। ठीक है, तो इसको एक साइड पे करके ये देखें, मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह टमाटो की पेस्ट डाल दी है सारी, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इस दौरान दोस्तों क्या करेंगे, ये देखें इसको पेस्ट को डालकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सारे मसाले हैं, ठीक है, मसालों को हमने इस टाइम पे आके सारा इसमें शिफ्ट कर देना, डाल देना। ठीक है दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की भिंडी, उकड़ा भिंडी, दही वाली भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह फुल मसाले वाली, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर अल्हम्दुलिल्लाह न्यू तरीके की बनेगी और बहुत ही कमाल की सुपर भिंडी बनेगी। आप इसको अल्हम्दुलिल्लाह बार बार बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। इस दौरान क्या करेंगे, ये देखें थोड़ी सी अभी हम थोड़ी सी दही डाल देंगे, ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊंगा किस टाइम पे हमने डालनी है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की हमारी ये भिंडी बनेगी, आपने ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करना। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। और इस दौरान आपने एक काम और करना है, ये देखें हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों को थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे जायके के लिए, खुशबू के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है मसाला भी रेडी है। जब आप देखेंगे घी या ऑयल साइडों पर किनारों पर आना शुरू हो गया है, तो आप बिस्मिल्लाह करके ये देखें, अब जो हमने भिंडी और ये देखें ओनियन था अच्छे तरीके से ब्राउन किया हुआ था, इसको आप बिस्मिल्लाह करके हम इसमें शिफ्ट कर देंगे और अच्छे तरीके से आप इसकी हम पकाई कर लेंगे। और अच्छे तरीके से आपने इस टाइम पे इसकी पकाई करनी है, जूसी, बहुत ही कमाल की, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस दौरान दोस्तों इसको मिक्स कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही कमाल की हमारी यार, ये देखें बहुत ही कमाल की हमारी भिंडी बनेगी फुल मसाले वाली, दही वाली। ठीक है दोस्तों, अभी हम बाकी की दही नहीं डालेंगे, मैं आप भी आपको बताऊंगा किस टाइम पे जाके हमने इसको डालना है। ठीक है दोस्तों, इस दौरान दोस्तों ये देखें जो ये लेमन है, लेमन का रस हम इसमें निचोड़ देंगे, सिर्फ हमें रस चाहिए। ठीक है, ये खुशबू के लिए, जायके के लिए, हाजमे के लिए हम लेमन, या अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कमाल की सुपर सुपर हमारी भिंडी बनेगी और बहुत ही जायकेदार, हाजमेदार। ठीक है दोस्तों, ये फाइनल पीस है, ये भी हम इस पर निचोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों इसको अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स करेंगे। ओ हो हो, कमाल की दोस्तों सुपर मसाले वाली उकड़ा भिंडी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, दही वाली भिंडी बहुत ही कमाल की मसाले वाली तैयार होगी। अभी हम इसकी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। तो दोस्तों आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तरीके से ये भिंडी को ज़रूर बनाना है, फुल मसाले वाली फुल टेस्टी भिंडी को अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों हमने हाई फ्लेम पर इसको पकाया है, अब थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे। इस दौरान हमने क्या करना है, ये जो बाकी की दही थी, ठीक है, अब बिस्मिल्लाह करके इसको डाल देंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है दोस्तों, लास्ट पे आपने दही को हाफ को डाल देना और अच्छे तरीके से मिक्स करके अल्हम्दुलिल्लाह इसकी पकाई करनी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की सुपर सुपर अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारी दही वाली भिंडी तैयार होगी। अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसी तरीके से पकाई कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 2 से 3 मिनट के लिए ऊपर से ढक्कन को लगा देंगे और इसको अच्छे तरीके से स्टीम और अच्छे तरीके से पकने देंगे। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को पसंद आए, उकड़ा भिंडी, मसाले वाली भिंडी, दही वाली भिंडी ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोस्तों आपने ज़रूर ट्राई करना और मुझे इसका फीडबैक भी देना है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार, ये देखें बहुत ही कमाल की दोस्तों खुशबुएं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों, ना तो मैं एक चीज़ बताऊं, ना मैंने पहले इस तरह की सही तरीके से खाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा आज का ये फर्स्ट लुक है
और फर्स्ट मेरी इसकी जो है दही वाली भिंडी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों को भरपूर अच्छे तरीके से बनाकर बहुत ही कमाल की और आसान रेसिपी कर दी है। अगर आपको लगता है कि भाई ने आज की उकड़ा भिंडी मसाले वाली दही भिंडी आपको बहन भाइयों को बुज़ुर्गों को दही वाली भिंडी ढाबा स्टाइल की अच्छे तरीके से सिखाई है तो दोस्तों ज़रूर इसको ट्राई करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करना, अगर पहले से कर दिया हुआ है तो शुक्रिया मेहरबानी थैंक्स। अभी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसकी बनाई करेंगे हम। तो जी दोस्तों 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब बिस्मिल्लाह करके इसको चेक करेंगे। बहुत ही कमाल की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हमारी नेमतों में रिश्तों में बरकत डाले और बहुत ही कमाल की सुपर सुपर हमारी ये देखें दही वाली भिंडी ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह बनकर तैयार है। बहुत ही कमाल की सुपर सुपर दोस्तों ग्रेवी आई है और बहुत ही कमाल की लुक और मसाला भी बहुत ही कमाल का बना है ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब दोस्तों इसके ऊपर जो थोड़ी सी मिर्चें हैं वो गार्निश करेंगे। ये देखें दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी दोस्तों अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर ऊपर मैं कहता हूँ सिखा दिया तो दोस्तों आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक भी दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की गर्मा गर्म ढाबा स्टाइल की दही वाली भिंडी फुल मसाले वाली भिंडी उकड़ा भिंडी आप दोस्तों को कैसी लगी है। तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो हो दोस्तों मज़ेदार मज़ेदार फुल स्पाइसी फुल टेस्टी ग्रेवी वाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दही वाली भिंडी ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह न्यू स्टाइल की मेरी आज की ये जो है ना दही वाली भिंडी फर्स्ट रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ही कमाल की आसान रेसिपी आप दोस्तों के लिए कर दी है। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगे कि भाई ने बहुत ही सुपर बहुत ही मज़े की हमें मसाला भिंडी दही वाली भिंडी ढाबा स्टाइल की हमें बनाकर सिखाई है तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें और नेक्स्ट रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी आप दोस्तों को मिलेगी। अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो शुक्रिया मेहरबानी थैंक्स। मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच किया करें, आप दोस्तों के तावन का भरपूर शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।